नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme X7 Max वर्सेस Vivo X70 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme X7 Max में 6.24 इंच जबकि X70 Pro में 6.23 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme X7 Max में 2.89 इंच जबकि X70 Pro में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Realme X7 Max में 0.33 इंच जबकि X70 Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme X7 Max में 179 ग्राम्स जबकि X70 Pro में 183 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme X7 Max में सुपर AMOLED जबकि X70 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Realme X7 Max में 20:9 जबकि X70 Pro में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme X7 Max में 6.43 इंचेस जबकि X70 Pro में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme X7 Max में 1080x2400 और X70 Pro में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme X7 Max में 85.92% जबकि X70 Pro में 89.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme X7 Max में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि X70 Pro में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme X7 Max में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और X70 Pro की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme X7 Max में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X70 Pro की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme X7 Max में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और X70 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G77MC9 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 1200MT6893 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme X7 Max में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि X70 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme X7 Max में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि X70 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Realme X7 Max में 4500 mAh जबकि X70 Pro में 4450 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme X7 Max में 3 कलर्स जबकि X70 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme X7 Max में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X70 Pro की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 46,990 रुपीस, 12GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 49,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 52,990 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme X7 Max आगे है, मेन कैमरा में Realme X7 Max आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S25 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M52 5G है, तीसरा Motorola Edge 20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Neo 2 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।